Android smartphone disassembly. अब हम एक Android smartphone को disassemble करने की विधि को सीखने जा रहे हैं। Disassembling का मतलब होता है मोबाइल को खोलकर उसके विभिन्न पुर्जों को अलग करना। सबसे पहले हमें ओपनर की मदद से मोबाइल के बैक कवर को सावधानी पूर्वक निकालना है। बैक कवर को निकालने के लिए हमें ओपनर की सहायता से खांचों को सावधानी पूर्वक धकेलना है और फिर बैक कवर को निकालना है। फिर हमें इस बैक कवर को संभाल कर एक तरफ रख देना है। अब हमें मोबाइल की बैटरी को हटाना है। इसके लिए हमें ओपनर की सहायता से सावधानी पूर्वक बैटरी को धकेलना है। बैटरी हटाने के बाद अब हमें इस बैकएंड पैनल को हटाना है। इस बैकएंड पैनल को हटाने के लिए हमें यहाँ पर दिख रहे इन सारे स्क्रूज को निकालना होगा। इन स्क्रूज को निकालते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर कोई भी स्क्रू खो जाता है तो हमें उस स्क्रू को ढूंढने में और उसे उसकी सही जगह पर फिट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन स्क्रूज को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालते हैं। स्क्रू ड्राइवर को उसी तरीके से पकड़ना चाहिए जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है। यह स्क्रू ड्राइवर चुंबकीय होता है और इसके चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमें स्क्रूज को उठाने एवं निकालने में आसानी होती है। मोबाइल को डिसअसेंबल करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस्तेमाल होने वाले टूल्स अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि खराब क्वालिटी के टूल्स इस्तेमाल करने से स्क्रूज के ऊपर वाले थ्रेड्स खराब हो सकते हैं। अब हम मोबाइल के बीच के हिस्से के स्क्रूज को एक एक करके निकालेंगे। मोबाइल को डिसअसेंबल करते समय हमें किसी सफेद कागज या सफेद कपड़े को नीचे बिछा कर रखना चाहिए, जिससे कि अलग किए हुए पुर्जे तथा स्क्रूज खो नहीं जाएं। अब हम मोबाइल के निचले हिस्से के स्क्रूज को निकालेंगे। अगर कोई स्क्रू इस तरह से कहीं अटका हो तो हम ट्वीजर की सहायता से उसे धीरे से निकाल सकते हैं। अब हम इस मोबाइल की ठीक तरह से जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई स्क्रू फंसा न रह जाए और सारे स्क्रू निकाल लिए जाएं। अब हम ओपनर की सहायता से इस मिडिल पैनल को यहाँ से अलग करते हैं। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पैनल को निकालते समय ज्यादा ताकत का इस्तेमाल ना हो, वरना यह पैनल टूट भी सकता है। आप इस वॉल्यूम स्विच को देख सकते हैं जो पैनल में लगी हुई थी, और पैनल के निकालने के साथ ही यह भी अलग हो गई है। हमें सभी अलग किए हुए पुर्जों को सही जगह पर रखना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उन्हें ढूंढने में हमें कोई परेशानी ना हो। अब हम धीरे धीरे इस पैनल को अलग कर लेते हैं। पैनल के अलग होते ही यह ऑन या ऑफ स्विच भी अलग हो गई है और जो इस पैनल में लगी हुई थी। अब हम इस मदरबोर्ड को देख सकते हैं, जिसे हम पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। मोबाइल के सारे कनेक्शन इसी पीसीबी से किए जाते हैं,
इसलिए हमें इन सारे प्लास्टिक स्ट्रिप को सावधानी के साथ निकालना होगा। सबसे पहले हम इस कैमरा स्ट्रिप को निकालेंगे। इसे निकालने के लिए हम इसे ट्वीजर की सहायता से सावधानी पूर्वक पकड़कर बाहर की ओर खींचेंगे और फिर निकालकर सही जगह पर रख देंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर एक स्क्रू दिखाई देगा जो मदरबोर्ड को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। हम इस स्क्रू को भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल देंगे। अब हम टच पैड से संबंधित स्ट्रिप को ट्वीजर की सहायता से सावधानी पूर्वक निकालेंगे। यह करते समय हमें बेहद सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह स्ट्रिप बहुत नाजुक होती है और ट्वीजर के चुभ जाने से खराब हो सकती है, जिसकी वजह से टच पैड भी काम करना बंद कर सकता है। अब हम फ्रंट एंड मॉड्यूल के कैमरे की स्ट्रिप को भी सावधानी पूर्वक निकालेंगे। इस स्ट्रिप को भी बेहद ध्यान पूर्वक एवं ताकत का इस्तेमाल किए बिना निकालना चाहिए, वरना स्ट्रिप खराब हो सकती है। अब हम डिस्प्ले स्ट्रिप को निकालेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रिप होती है। इसके लिए हम पहले ट्वीजर की सहायता से सावधानी पूर्वक उसके लॉक को ऊपर करके खोलेंगे और फिर उसे मदरबोर्ड से अलग कर देंगे। अब हम उस स्ट्रिप को मदरबोर्ड से अलग करेंगे जो मदरबोर्ड को माइक और वाइब्रेटर जैसे नीचे के हिस्से के पुर्जों से जोड़ती है और मदरबोर्ड से लोअर बोर्ड को सप्लाई पहुंचाती है। इन सारी स्ट्रिप को अलग करने के बाद हम इस एंटेना वायर को भी मदरबोर्ड से अलग कर देंगे। इसके बाद हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए मदरबोर्ड को सावधानी पूर्वक मोबाइल से अलग कर देंगे और उसे ठीक तरह से रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से डिसअसेंबल हो चुका है। अब हम निचले हिस्से को भी डिसअसेंबल करेंगे, जिसे ग्राउंड पैनल भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा है, इसलिए हम इसे हाथों की सहायता से ऊपर की ओर खींचते हुए थोड़ा सा अलग करेंगे। फिर ये जो लॉक ग्राउंड पैनल में लगा हुआ है, उसे हम ट्वीजर की सहायता से अलग करते हुए इस ग्राउंड पैनल को पूरी तरह से अलग कर देंगे और उसे ठीक तरह से रख देंगे। इस तरह से यह डिसअसेंबलिंग की विधि पूरी हो जाती है, जिसे करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।